जी नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरे दोस्तों, मेरा नाम है शांतनु शुक्ला और मैं आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ bankersadda.com के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म Adda247 पर। सोच रहे हो हंसी क्यों आ रही इतनी, है ना? सोच रहे हो इतनी हंसी क्यों आ रही है? तो अभी हम लोग बस ऐसी, है ना, बस स्टार्ट करने वाले थे तो हमारे मित्र कह रहे हैं कि एक बार अमित जी की तरह बोल के दिखाओ। तो हम वही कर रहे थे, नमस्कार मैं अमिताभ बच्चन। तो वही अभी जब मैंने बोला नमस्कार, तो चलिए बहरहाल स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों आज का सेशन। हाँ, कुछ उसी टाइप का माहौल है ना, बहुत ही बड़े स्तर पे होने वाला है आजकल पूरा माहौल, मतलब वही बना हुआ है ना। हाँ, वही माहौल बना हुआ है पूरा, नमस्कार वही वाला है ना। तो अगर आप तक अभी तक आपने दोस्तों रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो एक बार रजिस्ट्रेशन सारे लोग कर लो, ठीक है? हाँ, पूरा केबीसी टाइप का सिनेरियो है पहली बार एकदम। हाँ तो हाँ, पूरा केबीसी टाइप का माहौल है एकदम, है ना, पूरा केबीसी टाइप है। मतलब तुम बीच में उलझ गए तो पूछा जाएगा, मतलब 70,000 रुपये जीत चुके हैं आप, क्या करेंगे आप इतनी बड़ी धनराशि का? तो ऐसे ऐसे होगा, फिर तुम अटक गए, फिर तुम बोलोगे कि हाँ आपके पास एक लाइफ लाइन बची हुई है। तो आप कहोगे कि फोन अ फ्रेंड करना है, फिर बोलोगे शांतनु सर को फोन किया जाए, है ना, या फिर किसी भी अपने दोस्त को, तो इस टाइप का। तो हाँ, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो देखो ऊपर लिंक है, क्या है उसमें हम आपको बता देते हैं, Adda247.com/akd.html, है ना। पहला एपिसोड 1 फरवरी को होगा, मतलब खतरनाक एकदम, बहुत बड़े लेवल पे, है ना। सच में पूरा सिस्टम पूरा सेट हो रहा है एकदम भयंकर की, लाइट कैमरा डी। चलो आओ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, है तो भाई हंसी मजाक की बातें हैं। बहरहाल दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने रेशियो के थर्ड सेशन में हम लोग जुड़ चुके हैं। पहले सेशन में मेरे दोस्तों दीनानाथ चौहान, हाँ उसी टाइप फीलिंग्स आ रहा है कि मैं अमिताभ बच्चन। तो शुरू करते हैं, देखो आज हम लोग यहाँ पे रेशियो की थर्ड क्लास करने वाले हैं। वर्ड प्रॉब्लम, आपको घबराहट होती है, उस घबराहट को ही दूर करने का बस एक छोटा सा प्रयास है। अगर आप शिद्दत से पंक्चुअलिटी के साथ देखते रहेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस आपकी आपको कभी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है? अब तक के सेशन में बताओ कहीं पे परेशानी हुई? मुझे तो नहीं लगता कहीं परेशानी हुई होगी, है ना, कितने पोलाइटली कितने प्यार से हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है? तो आइए दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज अपने रेशियो की थर्ड क्लास, जहां पे हम लोग एक स्टेप थोड़ा सा ऊपर उठेंगे। बहरहाल वर्ड प्रॉब्लम ही है, जैसे यूजुअली वर्ड प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है आपके एग्जाम में, उस टाइप में हम लोग यहां पे करने वाले हैं। और कनेक्टिविटी के साथ, ये जीरो टू हीरो की सबसे ये ऐसी चीज है जो जीरो टू हीरो को अलग बनाती है, क्योंकि पूरे साल तो हम लोग पेपर डिस्कस करते ही रहते हैं, मानते हो ये बात, पूरे साल तो हम लोग रैंडम क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन तो हम आपके सामने करते रहते हैं, लेकिन एक बिगिनर के लिए आवश्यक ही होता है कनेक्टिविटी, है ना, स्टेप बाय स्टेप उसको सारी चीजें मिले। यही वजह तो थी इतना प्यार जो जीरो टू हीरो को आपने इतने बड़ा वो बना दिया पिछले साल वाला 2020 का, उसी तर्ज पे ये भी है, कनेक्टिविटी के साथ एक बिगिनर को सीखने के लिए कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। तो तीसरे स्टेज में हम लोग, मतलब तीसरी क्लास में एंट्री कर चुके हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिया जाए, आरंभ किया जाए। देखो बच्चे तुम लोग के भी मतलब टोन आ गई ना, आरंभ किया जाए, तो चलिए आरंभ करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है? और ये उन बच्चों के लिए जिनका क्लरिकल आरआरबी प्रीलिम्स क्वालिफाई के हैं, मेंस पढ़ना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कौन कौन इसमें पढ़ा रहा है। मैथ्स क्लासेस हम डील कर रहे हैं मेरे दोस्तों, इंग्लिश है संतोष सर, आशीष सर है जीए के लिए, शुभम सर है रीजनिंग के लिए, और आपकी इंग्लिश और जो सॉरी हिंदी और कंप्यूटर के लिए, हिंदी के लिए नवनीत सर, कंप्यूटर के लिए सोनू सर। ये एक बैच है जो 30 तारीख से स्टार्ट होना है दोस्तों, 30 तारीख से इसकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। और Y179 कोड अगर आप अप्लाई करेंगे, जो कि ये मेरा रेफरल कोड है, इसको अप्लाई करने पे आपको 78% ऑफ मिल जाएगा, कहां से, Adda247 ऐप्स, ठीक है? तो आइए दोस्तों और आगे कंटिन्यू करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स, जहां पे हम लोग देखो कल के होमवर्क वाले क्वेश्चन जल्दी से पहले बताया जाए, बहरहाल सब हो जाएगा। चलो एक बार पहले पहले फटाफट से ये बताओ कि कल होमवर्क वाला क्वेश्चन कितने लोगों ने किया, जल्दी बताओ। देखो ज्योति पटेल, आरंभ है प्रचंड, अच्छा। पहले फटाफट से पहले इसका ये बताओ कि कमेंट वो होमवर्क वाला क्वेश्चन कितने लोगों ने किया, आपको याद है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद है ना, कैसे भाई? अगर हम कहीं पे लिख देते हैं कि पहले दो चीजों का रेशियो 3:5 था, फिर हम कह देते हैं कि बाद में रेशियो हो गया, चलो भाई हमने कह दिया 5:7 हो गया, ऐसे कह दिया मैंने, और फिर मैंने कहा कुछ और ले लेते हैं, चलो हमने कह दिया 6:7 हो गया, ऐसे कह दिया 6:7 हुआ। ये कब हुआ? जब आपने एक में 700 रुपए का इंक्रीमेंट किया, दूसरे में हमने कह दिया 1200 रुपए का इंक्रीमेंट किया, ऐसे
किया, हम आपसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के यूज कैसे करते हैं हम लोग। भाई हमने कहा दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, जब आपने पहले में 700 का इंक्रीमेंट किया, दूसरे में 1200 का इंक्रीमेंट किया, तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, इसका रेशियो 6:7 हो गया। तो आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हो, आप क्या करते हैं दोस्तों, आप यहां पे क्या करते हैं, दो मेथड मैंने आपको बताए थे, एक मेथड था कि भाई जब दोनों में समान परिवर्तन हो, है ना, लेकिन यहाँ पे समान परिवर्तन तो नहीं हो रहा, यहाँ पे असमान परिवर्तन हो रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6×5 30, 7×3 21, और कितना डिफरेंस आ गया, 9 यूनिट की वैल्यू, 7 को 12 17 से मल्टीप्लाई किया, 1200 को 6 से मल्टीप्लाई किया, डिफरेंस ले लिया, इतने यूनिट की वैल्यू इतने के बराबर, यही सीखा था कल, इसको फ्रेम करना पड़ेगा, तो इसी को हम लोगों ने किया था। अब इसमें हो सकता है गलत आंसर आ जाए, नेगेटिव वगैरह आ सकता है, क्योंकि हमने ऐसे रैंडम उठा के दे दिया। तो बहरहाल तरीका समझ आ गया ना, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं। और होमवर्क वाला सवाल आपका ये रहा, ये होमवर्क वाला सवाल है, जल्दी से इसका आंसर बता दो, यहीं से आरंभ करते हैं फिर, ठीक है भाई। और थोड़ा आप सारे लोग प्लीज बता दो सर होमवर्क वाले क्वेश्चन, पुष्कर जी, ठीक है बेटा, लो आपका, हाँ आपके बोलने से पहले ही आ गया, चिंता मत करो, मुझे पता है आप पे पूरा भरोसा है, मुझे आप लोगों को पूरा भरोसा है, सब लोग थोड़े किए होंगे। ठीक है, अब देखो यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका थोड़ा सा रिवाइज होगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थोड़ा सा दोस्तों रिवाइज होगा, बहुत ध्यान से समझना। तीन दोस्त हैं दोस्तों एबीसी, तीन दोस्त हैं एबीसी, बहुत अच्छे से समझो इसको, एबीसी तीन दोस्त हैं, बोला गया इनका रेशियो कितना था, 10:12 और 25, 10:12 और 25 इनका रेशियो था, पहले इनके पैसों का, भाई इनके अकाउंट में जो पैसे थे, क्या बोला गया, द रेशियो ऑफ द बैंक बैलेंस ऑफ थ्री ब्रदर्स ए बी एंड सी, 10:12 और कितना लिखा है, 5 लिखा है, मैंने 25 लिख दिया, इसी गलती करोगे, हमने कितना लिख दिया, 10:12 और 5 लिख दिया। बाद में क्या किया, बी ने 60,000 रुपए ट्रांसफर किए अपने अकाउंट से सी के अकाउंट में, यानी बी ने ट्रांसफर किए सी के अकाउंट में, और इससे जो नया रेशियो निकल के आया वो कितना आ गया दोस्तों, 10:9 और 8 हो गया, 10:9 और मेरे दोस्तों 8 हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा कितना ट्रांसफर किया इसने, 60,000 रुपए। अब ये चीज तो बहरहाल हमें रेशियो में भी दिख रही है, ये तो मुझे रेशियो में भी दिख रही है कि भाई एक बात बताएं, इसका मतलब बी में हुई होगी कमी, बी में कितने की कमी हुई, बी में कितने की कमी हुई, आपने कहा गुरुजी 3 की कमी हुई, और यही 3 की कमी वहां पे जाके इंक्रीज हो जाएगी, कहो हां, ये जो बी के रेशियो में कमी आई, ये रेशियो की कमी आपको कहां पे दिख रही है, सी में दिख रही है, सी में 3 का इंक्रीमेंट दिखा, वही चीज तो है, अगर बी ने सी के अकाउंट में ट्रांसफर किया तो जितना बी से निकला उतना ही सी में गया, और वो मुझे रेशियो में भी दिख रहा है, वही रेशियो दिख रहा है 3, और इसे 3 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितने के बराबर बताई है, आपने कहा 60,000 के बराबर, तो अगर 3 यूनिट 60,000 के बराबर, अगर मेरे दोस्तों 3 यूनिट हमारा 60,000 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 20,000 के बराबर, 1 यूनिट मेरा 20,000 के बराबर हो, क्या पूछा गया, व्हाट इज द बैंक बैलेंस ऑफ ए, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20,000, तो बैंक बैलेंस ऑफ ए कितना है, 10, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 के, यानी 2 00 लिख करके 3 0 और बढ़ा दो, जवाब मेरा 2,00,000 रुपए के बराबर आ जाएगा, कहो हां सही है। अच्छा उस कंडीशन में क्या करते, जरा सोचो उस कंडीशन में क्या करते, जब ये रेशियो बराबर ना होते तब, बोलो बोलो, उस कंडीशन में क्या करते, जब ये रेशियो ही बराबर ना होते तब क्या करते मेरे दोस्तों, तब उसी समय हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग करते हैं, उसी समय तब हम यहां पे, भाई हमारी यहां रेशियो में डिफरेंस अलग होता, और यहां पे हम वैल्यू लिखते, यहां पे हम लिखते -60,000, वहां लिखते +60,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देते। तो ये मेरे दोस्तों, ठीक है, ये रहा हमारे पहले होमवर्क सवाल का जवाब, सब लोग को समझ आया, समझना आवश्यक है, ध्यान रखिएगा, पहला सवाल हमारा ये रहा, अब ये है दूसरा सवाल, और ये बहुत ही प्रैक्टिकली, बस भाषा पढ़ना सबको, इसका आंसर सबका आना चाहिए, चलो हाँ इसका आंसर मेरे लाल सबका आना चाहिए, जल्दी सर 5 की जगह पे 15 लिए हैं, हाँ बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो सब बच्चों ने बताया कि अगर बराबर ना होता तब क्या करते, तो सब बच्चों ने बता दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करते, बिल्कुल शानदार भाई, सीख चुके हो। अब ये वो है जो मिक्सचर में हम लोग यूज करते हैं, हम चूंकि मिक्सचर में अलग से टॉपिक रखे हैं, तो रेशियो के अंदर हम मिक्सचर की सवाल नहीं करवाते, है ना भाई, मिक्सचर आप बताएं, एक्सरसाइज उठा के देखना, मिक्सचर के क्वेश्चन आपको परसेंटेज में भी मिलेंगे, मिक्सचर के क्वेश्चन आपको रेशियो में भी मिलेंगे, और उसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिक्सचर में भी मिलेंगे, तो जब मिक्सचर अलग से पढ़ ही रहे हैं तो क्या जरूरत है उसको हर जगह पे डिस्कस करना उसी टाइप के सवाल, तो हम रेशियो में नहीं, सीधा हम लोग मिक्सचर में उस सारे सवालों का डिस्कशन करेंगे। बहरहाल उसी टाइप का सवाल आपके सामने दिया गया, अमित के पास एक बॉक्स है जिसमें 2 टाइप के मार्बल्स रखे हुए हैं, और कौन कौन से हैं, लाल और भाई क्या लिखा है, रेड और ब्लू, रेड और मार्बल पे गोली आ दी है तुम, गजब, यहाँ पे कितना,
कितना लिखा है आपने कहा रेड और ब्लू, सब लोग का आंसर आया कि नहीं पहले हम देख लेते कितनी आंसर आया कितने लोगों का। हाँ भाई 76 76 76 बता रहे भाई। हाँ अंजलि जी, संदीप, स्नेहा, चलो देख लेते हैं कितने लोग का सही कितने लोग का गलत है ना। तो अब यहाँ पे हमने कहा दोस्तों लिखा हुआ है रेड मार्बल, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लू मार्बल, रेड और ब्लू लिखा हुआ है। अब बताओ सबसे पहले क्या बोला गया, 5:4 है, ठीक है, रेड और ब्लू में क्या बताया गया रेशियो, 5:4 है, ठीक है, 5 और 4 हो गए, ठीक है। अब आपसे बोला गया आफ्टर ही लॉस्ट रेड 5 रेड मार्बल्स, कमी कहां पे आई, रेड में कमी आई, कितने की कमी, 5 की कमी, और उसके बाद क्या हुआ रेशियो 10:9 हो गया, 10:9 हो गया। फिर से पूरा ऑर्डर एक बार देख लेना मेरे दोस्तों, कहा गया कि रेड और ब्लू है, रेड मार्बल्स एंड ब्लू मार्बल्स वर इन द रेशियो 5:4, After lost 5 red marbles, ratio becomes 10:9, सब कुछ ठीक है। How many marbles does he have now? अब उसके पास कितने हैं? वो ध्यान से समझना। एक बहुत प्रैक्टिकल सी बात है कि अगर रेड मार्बल्स की संख्या में कमी आई है तो ब्लू में कोई परिवर्तन हुआ क्या? अगर लाल में लाल की संख्या में कमी हुई तो क्या ब्लू वाले में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं। तो ब्लू वाले में कोई परिवर्तन है तो ब्लू वाला परिवर्तन आपको ये कांस्टेंट दिखना चाहिए मेरे दोस्तों, ऊपर 4 नीचे 9 जो अलग अलग है ये हमें कांस्टेंट दिखना चाहिए। और इस 4 और 9 को कांस्टेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे 4 से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये बताओ 5 और 4 तो रिलेशन में थे तो ऐसे कैसे अकेले आप 4 में 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, छत से कूद जाएगा तब। भाई ये 9 से मल्टीप्लाई यहां की हो तो 9 से मल्टीप्लाई यहां भी करो ना, यहां पे 4 से मल्टीप्लाई की हो तो 4 से मल्टीप्लाई यहां भी करो ना। जब आपने ये कांस्टेंट, आपका टारगेट क्या था, ब्लू वाले को कांस्टेंट करना, क्यों? क्योंकि ब्लू में परिवर्तन नहीं हुआ। तो अब आपका देखो रेशियो कितना बना, हम यहां पे फिर से लिख देते हैं, यहां पे लिखा रेड, यहां पे लिख दिया ब्लू, कितना कितना लेके चले आप, रेड को आपने कह दिया 45 और फिर ब्लू को कितना कह दिया 9 × 4 = 36, यहाँ पे आपने कितना कह दिया 40 और यहाँ पे आपने कितना कह दिया 36। भाई ब्लू को मुझे कांस्टेंट रखना था, मैंने ब्लू को कांस्टेंट कर दिया, अब मुझे रेड में परिवर्तन दिख रहा है, रेड में कितने की कमी दिख रही है, मुझे रेड में 5 की कमी दिख रही है, और एग्जैक्टली भी ये 5 के ही बराबर है, ये 5 की कमी वास्तव में भी 5 के ही बराबर है। तो 5 की वैल्यू 5 तो 1 की वैल्यू 1 के बराबर। आपसे कहा गया कि भाई हाउ मेनी मार्बल्स डज ही हैव नाउ, अभी कितने हैं, तो 40 और 36 को आप जोड़ दोगे मेरे दोस्तों, जवाब आएगा 76 के बराबर, ठीक है भाई। अब उसके पास कितने हैं, तो अब उसके पास मेरे दोस्तों कितने हैं 76, ये बात ध्यान रखिएगा। कितने लोग का आ रहा था वो 81, हाँ कितने लोग का 81 आ रहा था, 81 बहुत लोग का आ रहा होगा ना। देखो हम आपकी अर्थमेटिक पूरी सुधार देंगे बशर्ते ये कि आप गंभीर हो जाओ, लिटरली बता रहे हैं पूरी सुधर जाएगी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन बशर्ते कि आप गंभीर हो, ठीक है, इस बात को बहुत बारीकी से समझना। तो उम्मीद करते हैं ये कहानी भी क्लियर है भाई, लाइक्स और शेयर, ये इसमें बहुत भारी तादाद में कमी दिख रही है मुझे, ठीक है। तो एक बार पूरा प्यार दिखाएं आप सारे लोग, जितने लोग अभी तक सेशन को लाइक ना किए हो लाइक कर दें, और सभी अपने दोस्तों को भी इन्वॉल्व कर लें, ठीक है। चलिए भले ही जबरदस्ती बोले नहीं यार अर्थमेटिक मुझसे नहीं होती, बहुत कमजोर है यार, फिर भी उसको बोलो नहीं तुम देखते रहो समझ आ जाएगा पूरा का पूरा, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना अर्थमेटिक अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पे आते हैं आपके फेवरेट क्वाइंस रिलेटेड सवाल, और देखना अगर आपको कहीं पे भी लगे कि ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी है या आपको ऐसा लगे कि यार गुरुजी ट्रिक रटा रहे हैं तब बताना, और अगर पूरी जम के समझ आ गया पूरा कि हाँ भाई सब लॉजिकल ही तो है तो फिर आप बस प्यार दिखाना फिर अपना और क्या। चलो उड़ाओ भाई इस सवाल को, 81 वालों देखो मजा ले रहा है लड़का, हैप्पी हैप्पी मजा ले रहा है लड़का। हाँ भाई तो क्वाइंस वाले सिक्के वाले सवाल आप सारे लोग जानते हो, कर लेते हैं आप सारे लोग, बड़ी बहुत प्रैक्टिकल सी बात होती है। अगर आपको एक वही लाइन याद हो जो मैंने रेशियो की स्टार्टिंग में आपसे बोली कि जो भी रेशियो दिए जाए उसी को कुछ देर के लिए एक्चुअल मान लेना, जो भी रेशियो दिए जाए कुछ देर के लिए उन्हीं को वास्तविक मान लेना। आप पहले इतना बता दो कि कितने टाइप के सिक्के हैं, तो आपने कहा 50 पैसे 25 पैसे और 1 रुपए, ठीक है। सबसे पहले क्या मेरे भाई आपने कहा 50 पैसे, कोई बात नहीं, फिर आपने कहा गुरु जी 25 पैसे, बहुत बढ़िया, और फिर आपने कहा 1 रुपए, यही तो है वो। कितने लोग हैं जो 58 54 पे मैच खेले हैं क्रिकेट, हैं खेले हो ना बचपन में, 58 58 पे मैच लगाते थे, 54 54 पे 1 1 रुपए पे मैच लगता था क्रिकेट की, बचपन की बात बता रहे। तो वही 58 54 और 1 रुपए है 50 पैसे 25। अच्छा जो रेशियो दिए गए उन्हीं को आप मान लो, जो रेशियो दिया जा रहा है उसी को वैल्यू मान लो। तो हमने कहा भाई चलो 50 पैसे के मान लीजिए 5 सिक्के हैं, नंबर ऑफ कॉइंस लिखा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ कॉइंस यानी सिक्कों की संख्या लिखी है।
50 पैसे के कितने सिक्के, 5, सीख लो इसको बहुत जरूरी है, इसके बाद अगला सवाल खुद ही सॉल्व करोगे। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, आपने कहा 8, और 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, आपने कहा 1 रुपए। अब जो पूछ रहे हैं यहां पे हम लिख रहे हैं वैल्यू, या वैल्यू का मतलब क्या हुआ, रुपए। अब मुझे इतना बताओ 50 पैसे के 5 सिक्के अगर आपको हम हाथ में दे दें, बोले कितने रुपए हैं, तो कितने हैं 50 पैसे के 5 सिक्के अगर रख लो अपने हाथ में, कितने रुपए। अब आपके मन में आ रहा होगा कैसे पता करें, अरे 50 को 5 से मल्टीप्लाई करो 250 पैसे हो जाएंगे, 50 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हो गया, 250 पैसे हुए। तो भैया 250 पैसे का मतलब कितना होता है, 2.5 रुपए को, हाँ कितना हो गया 2.5 रुपए, ये भी बात क्लियर रही। 25 पैसे के 8 सिक्के, भाई 25 पैसे के 8 सिक्के यानी कि भाई क्या 25 अट्ठे 200 पैसे, 25 को 8 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 200 पैसे, 200 पैसे का मतलब क्या होता है 2 रुपए हो गए। 1 रुपए के 1 सिक्के यानी 1 एकम 1 कितना आ गया, आपने कहा 1 रुपए हो गए, ठीक है भाई। अब अगर ये देखो, हम ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि 50 पैसे के 5 सिक्के थे तो ये मिलके बना दिए 2.5, 25 पैसे के 8 सिक्के थे तो मिलके बना दिए 2 रुपए, 1 रुपए के 1 सिक्के थे तो मिलके बना दिए 1 रुपए। अगर इतने ही सिक्के हैं तो मेरे पास पैसे कितने हैं, जरा देखो 2, 2, 4, 1, 5 यानी आपने कह दिया 5.5, इसका मतलब आपके बैग में कितने रुपए हैं 5.5, आपको दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है, क्लियर कट एकदम 5.5, यानी कि ये जो 5.5 है बेसिकली ये बराबर कितने के है, तो आपने कहा 55 रुपए के बराबर। ये जो टोटल वैल्यू निकल के आई यही एक्चुअल में कितने के बराबर है, आपने कहा 55 रुपए के, तो 5.5 अगर 55 रुपए के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 के बराबर आ जाएगी। अब इस 10 को जिससे भी मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जिससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे दोस्तों उसका ही आंसर निकल के आ जाएगा। आपसे कहा गया बताएं मेरे दोस्तों कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर आप देखें मेरे दोस्तों तो कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है, इस 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे 80 मेरे दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा, कहो हां। इस 8 को अगर इस 10 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपका मेरे दोस्तों आंसर निकल आ जाएगा, बोलो राधे राधे। समझ गए ना पूरी कहानी, बस इतनी सी बात है, सीख गए, पक्का कर ले जाओगे अगला सवाल इसी टाइप का हम देंगे, थोड़ा खींच के आंसर करो यार, सिखा रहे भी सीख रहे हो आप है? समझ पा रहे हो, एक बार पूरा हम कंप्लीट करवा दें 0 to 0, फिर एग्जाम के पेपर तो डील करते ही रहते हैं हम लोग, है ना, रैंडम टाइप में, ये भी जरूरी है आपके लिए, इवन यही सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है इतना। चलिए आइए दोस्तों अगले सवाल पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके सामने टाइम रहा, चलो चलिए शाबाश, नमस्कार। दक्ष जिंदाबाद सर, हाँ वो तो जिंदाबाद है आप लोग के प्यार की वजह से। सबका आंसर आना चाहिए भाई, फिर से टाइमर दे दे रहे हैं, अब ये मत कहना गुरुजी रेशियो कमजोर है, हाँ तीनों लेक्चर देख लो उठा के फिर बताना रेशियो कमजोर है कि नहीं कमजोर है। ठीक, समय होता है क्या समाप्त, आ गया आंसर 80-80 पिछले सवाल का ही आंसर, या अभी इसका आया ही नहीं तुम लोग का आंसर, इसका आंसर अभी नहीं आया, चलिए ठीक है भाई देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा कल शनिवार है, ध्यान रखिएगा कल क्विज का दिन है, कल क्विज का दिन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब इस सवाल पे आते हैं जहां पे कहा गया एक बैग में 25 पैसे 10 पैसे 5 पैसे के सिक्के हैं, तीन टाइप के सिक्के बताए गए 25 पैसे और सबका आंसर आना चाहिए, हम फिर से कह रहे हैं 25 पैसे, फिर कितना लिखा दोस्तों 10 पैसे, है ना, ये तो बहुत गुजरे जमाने की वाली बात हो गई भाई, ये सब तो हम नहीं यूज किए हैं, 5 पैसे, ऐसे तीन टाइप का भाई, तीन टाइप के सिक्के हैं और इनके संख्या कितनी बताई गई, एक और दूसरा कितना है दोस्तों 2 और फिर कितना है 3, ये है नंबर ऑफ कॉइंस, ये क्या है दोस्तों नंबर ऑफ कॉइंस, ठीक है। अब कितने बच्चों को परेशानी हम बता रहे, परेशानी कहां रही हो, सोच रहे होंगे गुरुजी हम इसको वैल्यू में कैसे लिखें, ये समझ नहीं पा रहे कितने रुपए बनाएगा ये, जरा ध्यान से देखो कुछ नहीं करना होता इसमें, आप मुझे इतना बताओ 25 पैसे हैं, एक से मल्टी, एक सिक्का है 25 एकम 25 यानी 25 पैसा, 25 सिक्का एक मतलब 25 पैसे के सिक्के हैं टाइप से उसका, और एक सिक्का 25 को एक से मल्टीप्लाई कर दो 25 पैसे, और 25 पैसे का मतलब क्या हो गया, आपने कहा 0.25 रुपीस, 25 पैसे का मतलब कितना हो गया दोस्तों, आपने कहा 0.25 रुपीस, ठीक है। अब इसके बाद 10 पैसे के 2 सिक्के, 10 दूना 20, 20 पैसे, 20 पैसे का मतलब क्या होता है, आपने कहा 0.20 रुपीस, ऐसे 5 पैसे के 3 सिक्के, 5 × 3 15, 15 का मतलब क्या हुआ 15 पैसे यानी कि 0.15 रुपीस, बस कुछ नहीं करना जोड़ दो सीधा,
अरे सीधा जोड़ दो, पता चल जाएगा कितना लिखा, 25, 15, 40, 20, 60, यानी आपको पता चल गया 0.6 रुपीज। यानी हम इतना कहना चाह रहे हैं, शब्दों पे फोकस करना, कि अगर आपके बैग में 25 पैसे का एक सिक्का, 10 पैसे का दो सिक्का और 5 पैसे का 3 सिक्का है, तो इसका मतलब आपके बैग में कुल मिला के 0.6 रुपए यानी कि 60 पैसे है बेसिकली। और यही जो 0.6 रुपीज है, क्वेश्चन ने इसकी वैल्यू बताई है आपको कितने के बराबर मेरे दोस्तों, 30 रुपए के बराबर। तो ये 0.6 ही हमारा बेसिकली 30 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, इसे करते अगर 6 × 5 = 30, लेकिन दशमलव है तो 50 आ जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 हो गई। अब इस 50 को जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे उसी से आपका आंसर आ जाएगा। आपको निकालना क्या है मेरे दोस्तों, आपसे कहा 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं जो कि 3 था, और इस 50 को ही, 1 यूनिट की वैल्यू 50 थी ना, इस 50 को ही हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका जवाब आ गया 150। बोलो राधे राधे, हो गया आपका जवाब आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। तो मुझे उम्मीद है कि चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ आ रही हैं, अगर आप समझना चाह रहे हैं तो। ठीक है, इतना अब तक की कहानी क्लियर? हाँ भाई, ठीक है, आगे बढ़े पांचवें सवाल पे। क्लियर है, इतना तक क्लियर हो गया ना? तो देखो, जितने भी फ्रेमिंग्स होती हैं वो सारी चीजें आप जान चुके हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन और ऊपर लेके चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन और ऊपर लेके चलते हैं। बस शब्दों पे ही खेलना है आपको, ठीक है, आपको शब्दों पे ही खेलना है मेरे दोस्तों। ठीक है, लीजिए पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन पर, आइए आपका टाइमर। अभी इस सवाल का देखना कितना खूबसूरती से जवाब आएगा, आराम से पढ़ो। हाँ, कल शनिवार है, तो शनिवार को आपकी 9 to 10 क्विज होगी इसी चैनल पे। हाँ, अब सिंप्लीफिकेशन रेशियो के सवाल रहेंगे, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन रेशियो। ठीक है, लो एक बार और टाइमर, और मुझे उम्मीद है कि सब लोग आंसर बताएंगे इसका। अमित चंद्रा जी, अभी अस्मित चंद्रा, अभी तक नहीं समझ आया था, आज समझ आ गया। अमित कह रहे समझ ना चाहेंगे आप तो समझ आ जाएगा जिस दिन आप समझना चाहें। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखो, आपने पूरा देख लिया पूरी कहानी क्या है इसमें बेसिकली, और आप में से बहुत सारे बच्चे देखो आंसर भी बता रहे हैं, और जो नहीं बता पा रहे हैं वो तुरंत कमेंट बॉक्स में स्किप लिख दिया करें। अगर आपको लग रहा है नहीं आएगा तो स्किप लिख के बस देखा करो कि कैसे इसका गुरुजी एक्सप्लेन करते हैं, कैसे चीजें, कैसे हम इसको बेहतर तरीके से समझ पाएं और आगे भविष्य में इस टाइप के सवालों को हम बढ़िया से डील कर पाए। तो भाई, आपसे बोला गया रेशियो ऑफ द क्या, फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास ट्रेन फेयर, यानी सबसे पहले किराए का अनुपात बताया गया। भाई फर्स्ट क्लास का यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बहुत ध्यान से देखो मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपको बताया गया फर्स्ट क्लास का, यानी कि प्रथम फर्स्ट एसी मान लो, और इधर बताया गया सेकंड क्लास का, और किसका रेशियो दिया गया दोस्तों, किराए का रेशियो, फेयर्स का रेशियो, यानी कि बहुत ध्यान से समझना, फेयर्स का रेशियो दिया गया, क्या बताया गया, 3 और 1, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई फर्स्ट क्लास का टिकट 3 रुपए का है और सेकंड क्लास का टिकट 1 रुपए का है। ये फील हो रहा है ना, ये शब्दों को महसूस करते जाओ, शब्दों की इमेज बनती है अपने मन में, सबके मन में बनती है। हां, इंग्लिश में खूब गाली दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हिंदी में उसे रूपांतरण कर दो, मतलब हां क्या बोल दिए भाई, समझ पा रहे हो, शब्दों की इमेज बन जाती खट से। अभी क्या बोला गया देखो, तो फेयर का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि मान लो फर्स्ट क्लास का टिकट जो है 3 रुपए का, सेकंड क्लास का 1 रुपए का है। ठीक है, इसके बाद बोला गया नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग बिटवीन टू स्टेशन बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। अब नंबर ऑफ पैसेंजर्स का भाई रेशियो दिया गया, यहां पे क्या लिख दे रहे हैं दोस्तों, नंबर ऑफ पैसेंजर, चलिए ठीक है भाई, और फर्स्ट और सेकंड का रेशियो दिया गया 1:50, यानी कि फर्स्ट क्लास से जा रहा है खाली एक इंसान और दूसरे वाले से जा रहा है कितना इंसान मेरे दोस्तों, आपने कहा 50 जा रहा है, चलो ये भी बात सही रही, बोलो। हाँ, अब इसी को आप देखो ध्यान से, आगे वैल्यू किसका दिया गया, इफ अ पर्टिकुलर डे रुपीस इतना वर कलेक्टेड फ्रॉम द पैसेंजर ट्रेवलिंग बिटवीन द टू स्टेशंस। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक दिन जो दोनों जगह पे ट्रेवल कर रहे हैं लोग, उनसे 1325 रुपए का कलेक्शन होता है। आप एक चीज का जवाब दो, अगर मेरे दोस्तों, अगर फर्स्ट क्लास का टिकट जो है वो 3 रुपए का है और एक ही पैसेंजर उसको खरीदा है, इसका मतलब यहां से कितना कलेक्शन आया, आपने कहा 3 रुपए का। सेकेंड क्लास का टिकट जो है वो 1 रुपए का है और कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं, 50 लोग, तो यहां से जो कलेक्शन आएगा वो कितने का आ जाएगा, आपने कहा 50 रुपए का। और इस तरीके से अगर मेरे दोस्तों देखो तो टोटल कलेक्शन कितने का आ गया, आपने कहा ना 53 रुपए का कलेक्शन आ गया, देखो जोड़ के, अगर यहां फर्स्ट क्लास से 3 रुपए का, सेकंड क्लास से 50 का आया, तो टोटल कलेक्शन कितना आ गया, आपने कहा 53 रुपए का कलेक्शन आ गया, और ये बराबर कितने के है, 1325 के बराबर है। तो 53 की वैल्यू बेसिकली बराबर कितने के है मेरे दोस्तों, 1325 के बराबर है। अब अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहे तो 53 से डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, तो
तो तीन बार जाएगा नहीं, दो बार जाएगा नहीं, 25 के 25 से मल्टीप्लाई करो, 25 75 25 5 125 7 125, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू होगी मेरी 7 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 7 आ चुकी है। पूछा गया फिर क्या पूछा गया, देन द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द सेकंड क्लास पैसेंजर, सेकंड क्लास पैसेंजर ये है आपके 50। 1 यूनिट की वैल्यू 7 है तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 गुणे 7 कितना होता है, हां भाई सही सब कुछ, अरे यार उल्टा लिख गए, शिट उल्टा लिख गए हम, है ना, ये क्या 7 कहां से लिख दिए, 53 गुणे कितना है ये 25 75 ना, 1 यूनिट की वैल्यू 25 के बराबर, तो 25 को 50 से मल्टीप्लाई करो, 25 5 125, आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए 1250 आ गया। क्लियर, इतना समझ गए, हाँ जी बिल्कुल 1250, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 25, हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका जवाब रहा 1250 के बराबर। ये रही आपकी वास्तविकता, मतलब कि इस टाइप के सवालों को कैसे डील किया जाता है। समझ में आ गया, पूरे पूरा समझ में आया कि नहीं बताना, ठीक है, और आगे बढ़े दोस्तों, चलिए अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगले सवाल पे आते हैं। देखो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करने में कंजूसी मत करना, ठीक है, हाँ नहीं फिर सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे फिर हम यूट्यूब पे, ध्यान रखना, समझ गए, लाइक वाइक टच करते रहा करो यार। चलो ठीक है भाई, हो गया। अब इस सवाल को देखो कितने लोग को मतलब लग रहा है कि अब ये हो ही नहीं सकता, बहुत सारे लोग होंगे जो कह रहे हैं कि इसमें तो नहीं 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 ठीक है हो जाएगा आसानी से, अब इसके बाद की कहानी, बहुत ध्यान से एक एक चीजें देखते चलना, पूरा समझ आ रहा है ना, बिल्कुल चलो। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि टोटल जो 1200 लोग हैं उसमें अर्बन और रूरल हैं कितने कितने, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो इसको अब एक एक करके, इस टाइप के सवाल जो हमें जहां पे हमें वेरिएबल वगैरह एज्यूम करने की जरूरत पड़ती है, कुछ वो भी सवाल करें, सब सारा सवाल तीर धनुष से थोड़े चल जाएगा, एनटीपीसी का एग्जाम थोड़े देना तुमको, है ना, तो तुम्हें जहां पे वेरिएबल भी मानने की जरूरत पड़ती है। तो देखो कुल लोग कितने हैं, आपने कहा 1200 कुल लोग हैं, 1200, हाँ अगर लेवल उठता जाएगा तो फिर छोड़ देना है ना, क्योंकि वो फिर एग्जाम वाला हो जाएगा ना, एग्जाम में मतलब मिल गया टकरा गया तो सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा फिर मीडिया उडिया वाले घेर लेंगे, शादी वादी हो जाएगी, इसीलिए हम सिलेक्शन नहीं ले रहे हैं गुरु जी, ऐसी फीलिंग्स आती है ना तुम्हारे अंदर। चलो देखो ध्यान से, 1200 लोग हैं इसमें, और इसमें कौन कौन है देखो जरा, अर्बन और रूरल, ठीक है, अर्बन और रूरल, और यहाँ पे कितना लिखा, 8:7 कितना हो गया 15 की वैल्यू अगर 1200 के बराबर तो 1 की वैल्यू कितनी 15 8 120 यानी 80 हो गई, और 8 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 × 8 कितना हो गया 640, और ये 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 80 × 7 560, यानी आपको पता चल गया कि कुल मिलाकर के लोग कितने हैं, यानी कि 840 और 560 अर्बन और रूरल लोग हैं, ये पता चल गया। फिर बोला गया कि After joining of some new employees, कुछ लोग आए, out of which 20 are rural, ठीक है, जिसमें से कुछ लोग आए जिसमें 20 क्या है दोस्तों rural है, और उसकी वजह से हुआ क्या कि जो नया ratio बना वो कितना हो गया दोस्तों 5:4 हो गया, ठीक है इतना। अब जरा ध्यान से देखो, कुछ लोग यहां पे आए हैं और इसके वजह से रेशियो, यानी किसका रेशियो, अर्बन टू रूरल, अर्बन टू रूरल क्या रेशियो बन गया 5:4 बन गया। अब शब्दों पर फोकस करना, कुछ लोग आए, ठीक, कुछ लोग आए, नीचे किसको लिखना है मुझे, रूरल, जिसमें से 20 क्या है दोस्तों रूरल है। मान लिया मैंने कि सपोज एक्स लोग आए हैं, मैंने मान लिया चलो एक्स लोग आए हैं, ठीक, कितने लोग का आंसर आया इसका, हाँ ऐसे तीर धनुष से नहीं चलेगा, बहुत ध्यान से देखते चलो, मान लो कि एक्स लोग आए और उसमें से 20 क्या है दोस्तों रूरल है। अच्छा यहां पर रूरल कितने दिख रहे हैं, आपने कहा 560 है, और इसमें रूरल कितना बता दिया 20 लोग रूरल है। अब इसका मतलब ये बताओ कि अगर 20 लोग रूरल हैं तो ग्रामीण कितने होंगे, भाई देखो 640 तो पहले ग्रामीण कह रहे हैं यार, अर्बन वाले 640 तो पहले ही अर्बन थे, अब यहां पे बताओ कितना जुड़ेगा, यही मेन खेल है। हमने कहा कि एक्स लोग आए जिसमें से 20 रूरल हैं तो अर्बन कितने, एक्स में 20 घटा दोगे तो अर्बन मिलेंगे, यानी कि इस जगह पे क्या लिखोगे दोस्तों एक्स माइनस 20, ये है मेन खेल, समझ गए। हमने अगर ये कह दिया कि x लोग आए हैं तो अगर हम 20 लोग यहां रख दे रहे हैं ऊपर क्या लिखना पड़ेगा x माइनस 20। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत ध्यान से सिंप्लीफाई करें, ये कितना हो गया 56 दो मिलकर 58 यानी कितना हो गया ये 580, ऊपर कितना बता 640 में 20 घटाओ तो कितना आ जाएगा 620, और 620 प्लस एक्स हो जाएगा डिवाइड बाई इधर कितना हो गया, तो आपने कहा 580 हो गया गुरु जी, और 580 बराबर कितना लिखा है 5/4, 4 से कैंसिल करोगे 4 × 1 = 4, यहां 18 हो गया, और 18 का मतलब होता है कि 4 × 16
16 और फिर 4 पंचे 20, ठीक 145 5 में मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखते चलो 145 5 में मल्टीप्लाई होगा, यहां पे लिखते हैं तो ये कितना बचा हुआ है 620 प्लस x, 620 प्लस x बचा हुआ है और बराबर 145 5 में मल्टीप्लाई होगा 5 5 25 2 कैरी 14 5 70 और 2 मिलके कितना हो गया 2 मिलके हो गया फिर से देख लो 5 5 25 5 कैरी 2 14 5 70 और 2 मिलके हो गया 72 725 यानी यहां से x की जो वैल्यू आएगी 725 में 620 घटा दो x की वैल्यू मिल जाएगी 5 में 0 घटाया 5 2 में 2 घटाया तो वैल्यू 0 7 में 6 घटा दिया तो वैल्यू 1 105 आ चुका है और आपसे क्या पूछा दोस्तों आपसे कहा गया कि न्यू अर्बन एम्प्लॉइज यानी x में 20 घटाओगे 105 में दोस्तों 20 घटा दो 105 में 20 घटाओगे 85 आ जाएगा आपका आंसर रहा ऑप्शन नंबर बी सबका आया हुआ है ठीक है सबका आया है एक और काम कर सकते थे आप सब सारे लोग कि भाई यहां पे आप 20 लिख रहे हो यहां पे आप 20 लिख रहे हैं तो भाई उतना तो लिखना ही पड़ेगा वो तो करना ही पड़ेगा है ना ठीक है चलो आगे बढ़े हम लोग दोस्तों क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे लीजिए किया जाए ठीक है प्रेरणा बंसल जी करते चलो बहुत हाँ अब इत्मीनान से देखते चलें और बहुत बारीकी से शब्दों पे फोकस करते रहना क्वेश्चंस पे फोकस करते रहना दोस्तों ठीक है x माइनस 20 कैसे आया उज्जवल कुमार भाई कुछ लोग आए वहां पे है ना अब जो लोग आए उसमें अर्बन रूरल दोनों थे ना अभी ऐसा तो किसी एक कंपोनेंट में चेंज नहीं हो रहा है ना कुछ लोग आए ठीक है और उसमें 20 क्या थे दोस्तों 20 थे रूरल आपके ग्रामीण वाले थे मान लो कि x लोग आए तो 20 अगर ग्रामीण वाले थे तो शहर वाले कितने थे x माइनस 20 ना वहां से आया वो ठीक है अब देखते चलो ध्यान से एक बार में समझना अगर जो चीज ना समझ आए तो वीडियो पीछे करके देख लेना आप है ना ऐसे रिपीट वाली कंडीशन में ना आए आप चलिए अब इस सवाल पे देखो कितने लोग का आंसर है एक बार और टाइमर ले लो करो 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 पांच सौ 80 डिवाइड बाई 4 165 आता है सर जी अरे कौन कौन से कौन हिसाब से भैया आकृति सिंह आप डिवाइड कर रहे हो 4 एक कम 4 5 में 4 घटाओगे 1 18 होगा तो 4 ही बार तो जाएगा आ चुका है आकृति सिंह बेटा ढंग से डिवाइड करो आप गलती लिख रहे हो चलो भाई बच्चों आप लोग बता दो बिटिया को कि 580 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 165 नहीं आएगा है ना अब जरा ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में कहा गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो अब देखो अब हाँ चीजें चल रही अच्छी खासी अब इसी पे सीखना है आपको अच्छे से हाँ यही जब होता है ना कि इसी को छोड़ के भागते हो तो इसीलिए होता है फिर कि लास्ट में अर्थमेटिक कमजोर की कमजोर ही रह जाती है देखो ध्यान से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक एन एग्जाम इफ द रेशियो ऑफ ठीक है क्या बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक एन एग्जाम यानी कि आपको बताना है कि उन छात्रों की संख्या जिन्होंने एग्जाम दिया है उन छात्रों की संख्या बतानी है जिन्होंने एग्जाम दिया है ठीक रेशियो ऑफ दोज हु पास्ड टू दोज हु फेल्ड यानी पास और फेल का रेशियो दिया है इसने कितना 10:3 पास और फेल का रेशियो दिया है 10:3 फिर बोला गया अगर 40 नए लोग आ जाएं देखो पास और फेल का रेशियो इसने 10:3 दिया है तो इसका मतलब हम ऐसे मान सकते हैं ना कि पास वाले कैंडिडेट को चलो मैंने 10x मान लिया ठीक है और फेल वाले कैंडिडेट को मैंने कितना मान लिया 3x मान लिया अब ध्यान से देखो 40 और स्टूडेंट भैया क्या होते 40 मोर स्टूडेंट हैड टेकन द एग्जाम अब ध्यान से देखना ये पास फेल में चेंज नहीं हो रहा है ये टोटल में चेंज हो रहा है इसलिए एक्सेज्यूम किया है पास फेल में नहीं अब टोटल में चेंज हो रहा है तो भाई अगर 10 और 3 कितना हो गया हमने मान लिया टोटल अब हमारा कितना है 13x है टोटल कितना है 13x और कहा गया कि 40 और लोग एग्जाम दें तो 40 और लोग एग्जाम दें तो टोटल कितने हो गए 40 हो गए ये हमारे टोटल कैंडिडेट है टोटल कैंडिडेट कितने हो गए 40 हो गए तो उस कंडीशन में और फिर एक चीज और बोला गया कि और 10 कैंडिडेट क्या 10 कम कैंडिडेट क्या हो फेल हो तो पहले फेल कितने होते थे 3x होते थे अब न्यू फेल कितने हो जाएंगे तो आपने कहा 10 कम कैंडिडेट फेल हो यानी कि 3x माइनस 10 ये नए कैंडिडेट हो गए फेल वाले तो उस कंडीशन में दोस्तों जो रेशियो बनता है किसका रेशियो दोस्तों किसका रेशियो देखो ध्यान से कि हु
पास्ड टू हु फेल्ड, यानी पास अपॉन फेल, पास अपॉन फोल, फेल का रेशियो कितना है 5:1। मेरे पास जानकारी किन किन चीजों की है, मेरे पास जानकारी है मेरे दोस्तों फेल कैंडिडेट की, और साथ ही साथ जानकारी है मेरे पास टोटल कैंडिडेट की। हम लिखना चाहते हैं फेल अपॉन टोटल, हम लिखना चाहते हैं फेल अपॉन टोटल, तो कैसे लिखोगे जरा देखें। फेल कितने हुए हैं आपने कहा 3x-10, फेल कितने हुए हैं दोस्तों 3x-10, टोटल कितने हैं तो आपने कहा 13x+40। अब मुझे एक चीज बताएं, यहां रेशियो पे फोकस करो, पास और फेल का रेशियो है 5:1, पास और फेल का रेशियो है 5:1, जिसमें ये 1 क्या है मेरे दोस्तों फेल है, 1 क्या है फेल, और ये 5 क्या है पास, 1 क्या है दोस्तों फेल और 5 क्या है पास। तो मुझे एक बात बताओ टोटल कैंडिडेट कितने, मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, मुझे टोटल की रिक्वायरमेंट है। अगर एक बच्चा फेल हुआ 5 बच्चे पास हुए तो टोटल कितने लोग हो गए, 6 हुए ना, बस वही चाहिए। फेल कितना हुआ 1 और पास कितना हुआ 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जवाब आ गया 18x-60 के बराबर, और इधर लिखा है 13x+40 के बराबर, ठीक है 13x+40 घटा दिया, 18 में 13 घटाओगे दोस्तों 5x की वैल्यू, 60 और 40 मिलकर जोड़ दिया 100 आ गया, यानी x की वैल्यू हो गई 20 के बराबर। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है क्या, आपसे वही पूछा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक एन एग्जाम, तो भाई कितने लोगों ने एग्जाम दिया था 13x ने, x की वैल्यू 20 है, 13 × 26 260 आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। यही पूछा था ना कितने लोगों ने एग्जाम दिया, यही पूछा था कितने लोगों ने एग्जाम दिया मेरे दोस्तों, तो भाई x की वैल्यू 20 है और एग्जाम कितने लोगों ने दिया था, यहां से देखो ना 10, 3, 13, 13x, तो बाद में कंडीशन है कि वेरिएशन हुई इतना इधर उधर, तो आपका जवाब कितने के बराबर आ जाएगा 260 के बराबर, ठीक है डन। क्वेश्चन कैसे लग रहा है एक बार बताना कैसे लग रहा है क्वेश्चन, हाँ थोड़ा जल्दी बताएं आप सारे लोग, और भी बढ़ रहे हैं, अभी सातवां सवाल की हो है ना। इसको कहा जाता है क्या, उस बच्चे के बारे में सोचो जो लेक्चर 1 से जुड़ा हुआ है, कितना स्मूथली लेके आए, कितना स्मूथली, धीरे धीरे उठ रहे हैं ना, धीरे धीरे उठ रहे हैं है ना। इसको कहा जाता है कनेक्टिविटी, इसको कहा जाता है फ्लो। अब बीच में इतने वाले पोर्शन पे तुम गायब हो गए, मामा के यहाँ चले गए, छोड़ दिए, चलो पबजी देख लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम दर्द तब शुरू होता है ना, मैथ वाला जो दर्द है वो दर्द तब शुरू होता है जब आप अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकत, गलत तरीका क्यों बता रहे हो सर, सत्य प्रकाश, हे देव देव देव, ठीक है हे देव आराम करिए आप, ठीक है आप आराम करिए, कुछ भी मतलब कुछ भी, वो तो हमको लग रहा है ये CHSL वाले होंगे, NTPC वाले या फिर ग्रुप डी वाले, जो भाई खाली जानते हैं कि इतना का वैल्यू इतना, इतना का वैल्यू इतना, कितने के बराबर, बस वही है। चलो बहरहाल अब हम ज्यादा इस पे नहीं बोलेंगे, ऐसे कंडीशन में कुछ बोला मत करो है ना, ठीक है तुमको हम हाँ गर्मी में एकदम आदमी परेशान तो पसीने से तर रहा करे ना, तभी सब टाइप में मत बोला करो, कुछ हमारे मुंह से पता लगा उल्टा सीधा ना निकल जाए। चलो बहरहाल इस क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, आओ इस पे क्वेश्चन पे करो। एक्चुअली होता है वो हम बता रहे हैं, जैसे कि एजेस हुआ, रेशियो और ये सब रेशियो के टॉपिक हुए है ना, तो शुरुआती जो बेसिक लेवल के सवाल होते हैं वो तो इसे उड़ता रहता है, इतने की वैल्यू इतने, इतने की वैल्यू इतनी, कहानी खत्म है ना। और अगर मैथ की दुनिया उतनी ही आप देखे हैं तो आपके लिए तो यथार्थ वही है ना, जैसे बताते ना कुएं वाला मेंढक, समंदर वाला मेंढक, बचपन से कहानी सुनते हैं, यथार्थ उसी को मान लेते हैं, मिस्टेक वही होती है, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, उसी टाइप का सवाल है, उसी टाइप का सवाल है, आप लोग सॉल्व करें, बिल्कुल जैसा कि पिछले सवाल में किया था उसी टाइप का सवाल है। चलो ठीक है टाइम अप। अब जरा ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि हाउ मेनी जॉब एप्लीकेंट्स हैड अप्लाइड, क्या बोला गया, सबसे पहले ऊपर यही बोल दिया कि कितने लोगों ने जॉब, मतलब कितने लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है यही पूछ ले, जैसे पिछले सवाल में था ना कि कितने लोगों ने एग्जाम दिया है। अच्छा
और रेशियो किसका दिया दोस्तों, वही पास फेल टाइप में, कि सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड, सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो कितना है 19 और 17, उसी टाइप का बिल्कुल सवाल है। हम उम्मीद करेंगे आप सारे लोग जवाब बताएंगे भाई इसका। सेलेक्टेड का रेशियो कितना है 19x, ऐसे मान लिया, और अनसेलेक्टेड का कितना मान लिया हमने, हम लोगों ने मान लिया 17x, ऐसे मान लिया, ठीक है। और बोला गया अब देखो अगर 1200 कम लोगों ने अप्लाई किया, वही है ना, अब ये किसी एक कंपोनेंट में नहीं चेंज हो रहा है, ध्यान रखिए, ध्यान रखें, इस सिलेक्टेड अनसेलेक्टेड में चेंज नहीं हुआ दोस्तों, ये टोटल में चेंज हुआ है। तो यहां से जरा देख के बताएं टोटल वैल्यू कितनी, यहां पे देख के बताएं टोटल वैल्यू कितनी, 19 और 17 जोड़ेंगे तो वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 36 के बराबर। 19 और 17 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी दोस्तों, आपको होगी 19 और 17 की वैल्यू 36x के बराबर, ठीक है, इतना ये टोटल हो गया। अब क्वेश्चन ने ये कहा कि अगर 1200 कम लोगों ने अप्लाई किया, यानी कि अब टोटल कितने हो गए दोस्तों, अब अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल हो जाएंगे मेरे 36x में 1200 कम, 36x में से 1200 कम, ये इतने लोगों ने कम अप्लाई किया, और 800 लेस सेलेक्ट, क्या बोला गया, एंड 800 लेस सेलेक्टेड, 800 कम लोग सेलेक्ट हुए हैं, 800 कम लोग मेरे दोस्तों सेलेक्ट हुए हैं। अब इस पे भी आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब सेलेक्टेड कितने हैं यहां पे 19x, यानी कि अब सेलेक्टेड कितने होंगे 800 कम लोग, 800 लेस सेलेक्टेड, यानी कि अब सेलेक्टेड कितने हो गए, आपने कहा 19x माइनस का 800, ये वैल्यू आ गई। कुल मिला के अब वही देखता देखना है, तो उस कंडीशन में बोला गया द रेशियो ऑफ द सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड बिकम बराबर बराबर 1:1 हो जाते हैं। इसका मतलब वही हुआ दोस्तों कि अब आप लिखेंगे सेलेक्टेड अपॉन टोटल, सेलेक्टेड कितने हैं 19x माइनस कितना 800, सेलेक्टेड अपॉन, अब लिखेंगे आप टोटल, टोटल कितना लिखा है 36x माइनस 1200, ठीक है, और ये वैल्यू बराबर क्या सेलेक्टेड 1:1 है ना, सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड, तो आप इसको क्या लिख देंगे 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 दूना कितना आ गया 38x माइनस 2/8 कितना हो गया 1600, और बराबर कितना हो गया आपने कहा 36x माइनस का 1200, यही हो गया। 38 में 36 घटा दो वैल्यू कितने के बराबर आ गई, आपने कहा 2x, 16 और 1600 में 1200 घटाओगे तो वैल्यू आ जाएगी 400, यानी x की वैल्यू हो गई आपकी कितने के बराबर 200 के बराबर, x की वैल्यू हो गई 200। आपसे क्या पूछा गया कितने लोगों ने अप्लाई किया था, तो टोटल कितने थे भाई 36x, 36 और x की वैल्यू 200 मल्टीप्लाई कर दोगे 36 × 7200, ऑप्शन भी आ जाएगा, ठीक है। ये किसी एक कंपोनेंट में चेंज नहीं हो रहा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। सवाल अच्छे लग रहे हो तो इच्छा करे तो लाइक कर देना। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चल रहे हैं हम लोग, और ये बहुत ही बेसिक सवाल है। ठीक है, 1/2 कैसे बेटा, उसने सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड का रेशियो दिया था, ठीक है, सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड का रेशियो दिया था, और वो कितना था 1:1, मुझे जरूरत थी सेलेक्टेड और टोटल की, तो एक आदमी सेलेक्ट हुआ और फिर टोटल कितने सेलेक्टेड नॉन सेलेक्टेड जोड़ दिया तो 1/2 लिखा था, मुझे टोटल की जरूरत थी ना इसलिए 2 लिखा था। अभी एक बात बताएं, जो प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है वो किस पे किया जाता है, प्रॉफिट परसेंटेज जो कैलकुलेट किया जाता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे किया जाता है, सब लोग जानते हो प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कंपेयर किया जाता है। तो 16 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आपने कहा 1/6 होती है, 1/6 होती है, कहो हाँ, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 जो रहा, ये 1 जो रहा, ये हो गया प्रॉफिट, और ये 6 जो रहा, ये रहा कॉस्ट प्राइस। अच्छा, मुझे आज जानते हो किस बात का एहसास हो रहा है, मुझे इस बात का पूरा मतलब एहसास हो रहा है कि अगर मतलब बच्चों के लिए पंक्चुअलिटी के साथ तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, हाँ, यूट्यूब पे रेगुलर बेसिस पे बता दो, बहुत रेयर ही दिन होता होगा कि 9 PM पे हम छुट्टी मार दें, है ना, तो मुझे लगता है कि ये गलत करते हैं, है ना, मुझे लगता है कभी कभी कि गलत करते हैं। मुझे भी हफ्ते में खाली 1-2 दिन ऐसे भौकाल टाइप में मेंटेन करके आना चाहिए कि बस 2 दिन, है ना, इस टाइप में करने लगे तब शायद आपको ज़्यादा अच्छा लगे, है ना, तब आपको एहसास हो कि नहीं नहीं यूट्यूब पे नहीं सिर्फ पेड ही पढ़ना चाहिए हमें, गलती करते हैं ना रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पे पढ़ा के, है ना, कि डेली एक क्लास हमको लेनी ही लेनी है ना। चलो बहरहाल ये भी करके किसी दिन देखते हैं, चलो अभी इस पे आते हैं। 16 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, आपने कहा 1/6, ठीक है। आपको पता है कि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। अब जब दूध में पानी मिला के बेचेंगे आप, तो आपकी खुद की कॉस्ट क्या लगेगी जो आपने दूध में लगाया है, यानी कि दूध आपकी हो गई, दूध की मात्रा ही कॉस्ट प्राइस होगी, और पानी जो होगा दोस्तों वो पानी का पैसा तो लगा नहीं, पानी का पैसा तो लगा नहीं, पानी क्या हो गया मेरा फ्री का हो गया, तो और वही मेरा प्रॉफिट रहा,
वही मेरा क्या रहा प्रॉफिट भाई। मान लीजिए हम 50 लीटर दूध खरीदे, 10 लीटर पानी मिला दिए, तो 50 लीटर का पैसा मेरा लगा, वो मेरी कॉस्ट प्राइस हुई, 10 लीटर पानी मिला करके बेच दिए, अब वही 10 लीटर जो पानी मिला है वही मेरा प्रॉफिट हुआ। तो जब दूध में पानी मिला करके बेचा जाता है ना, तो हमेशा ध्यान रखना प्रॉफिट परसेंटेज उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में यही होता है आपका कि पानी जो रहेगा वो आपका प्रॉफिट डिवाइड बाई दूध की जो मात्रा रहेगी वही आपका क्या होगा कॉस्ट और मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, जब भी दूध में पानी मिला के बेचा जाए यही ध्यान रखिएगा। तो अभी यहां पे क्या हो रहा है कि ये हमारे मिल्क की क्वांटिटी हुई और ये कितना लिखा है दोस्तों प्रॉफिट है, प्रॉफिट का मतलब ये हमारा वाटर रहा। तो टोटल मिक्सचर कितना हुआ 6 और 1 मिलके कितना हुआ 7, और क्वेश्चन ने बोला है कितना लीटर बेच रहा है वो 14 लीटर बेच रहा है ना, 14 लीटर बेच रहा है, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 14 लीटर, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 2 लीटर। आपसे पूछा गया मिल्क कितना है, तो मिल्क मेरे दोस्तों ये है 1 की वैल्यू 2, ये है मिल्क ना, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 12 लीटर। क्या पूछा है आपसे, वाटर पूछा है यार, वाटर पूछा है, तो 1 की वैल्यू ये ऊपर वाटर है ना, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 2 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका 2 लीटर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए तो खुश रहें आप सारे लोग, ख्याल रखें अपना, गुड नाइट एंड टेक केयर।